चल रही है। ये फायदा है कि हम लोग आराम से भी बहुत मान्यता है यहाँ की, भगवान के मंदिर में भी शॉर्टकट लग रहे हैं। आप बताओ कि भंडारे में स्वाद है या ये दोस्तों कीर्ति मंदिर। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। सो फार एंड सो गुड, बट मेरी हाइट के हिसाब से मेरी इससे लगने लगा चलने। सनरूफ का मजा है। ये गोवर्धन, गोवर्धन से कहाँ जा रहे हैं बचपन। दोस्तों अब हम आ गए हैं वृंदावन में, और ये देखिए वृंदावन में ये हालत है जाम की। ये प्रेम मंदिर वाली रोड है, थोड़ी दूर पे प्रेम मंदिर है और बिल्कुल पैक हो गया है वृंदावन। एक्चुअली सैटरडे है आज और सेकंड सैटरडे है, तो सैटरडे संडे वीकेंड पे लगभग सभी लोग निकल जाते हैं। मथुरा वृंदावन पास में ही पड़ता है, तो सभी लोग दर्शन करने के लिए या घूमने फिरने के लिए आ जाते हैं। देखिए पूरा जाम। तो दोस्तों टाइम हुआ है 6:28 और अब हम आ चुके हैं वृंदावन में। हमने होटल में रूम ले लिया है और अब हम यहाँ से जाएंगे प्रेम मंदिर के दर्शन करने के लिए। और चलिए आपको भी ले चलते हैं और दिखाते हैं। अगर आप रूम देखना चाहें तो मैं आपको रूम का एक बार टूर दे देता हूँ। आइए, ये देखिए काफ़ी अच्छा रूम मिल गया है हमें, काफ़ी बड़ा। नितिन भैया सामने, ये हमने ट्रिपल शेयरिंग में ले लिया है, फैमिली रूम है। और साथ में आपको तीन कंबल मिल जाते हैं। यहाँ पर ये बालकनी टाइप है, बड़ी अच्छी एक फीलिंग है। यहाँ पे सुबह दिखाऊंगा मैं आपको कि बाहर से कितना अच्छा है ये। देखिए यहाँ से हमें कुछ ऐसा बाहर का व्यू मिल जाता है, बहुत अच्छा तो नेचर है। सुबह दिखाऊंगा मैं आपको बाकी। अब हम सीधा जो हमारा गेस्ट हाउस है वहाँ से निकलते ही सामने जो लाइट दिख रही है यहाँ पे आ जाता है प्रेम मंदिर। तो हम लोग प्रेम मंदिर की तरफ जा रहे हैं अभी रात के समय। आप ये देख सकते हैं वृंदावन में क्या बेहतरीन नज़ारा है, पूरा जगमग हो रहा है। शनिवार और इतवार तो यहाँ के लिए सबसे भीड़ के दिन होते हैं। ये देखिए चौपाटी बना रखी है इन्होंने, खूब चाट टिक्की पकौड़ी खाओ सब। है तो ये धर्म स्थली लेकिन लोग अच्छी खास, अब ये पिकनिक स्थली बन गई है। देखिए क्या भीड़ है दबा के। एंट्री अलग अलग चेकिंग होके, और इसके बाद वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ये आपको दिखाता हूँ। कोविड को देखते हुए ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर मिलेगी आपको देखने के लिए। पर मैं बहुत बार आया हूँ यहाँ पे और सामने से निकल गया हूँ, लेकिन यहाँ पर अंदर कभी नहीं आया। आज पहली बार मैं यहाँ पर अंदर आया हूँ। और कितना सुंदर, देखो कलर चेंज हो रहे हैं कितने सुंदर। एक मिनट रुके हैं जरा। और दोस्तों ये है प्रेम मंदिर की वेबसाइट।
बड़ा ही सुंदर है, और कलर जो चेंज हो रहे हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो कितनी भीड़ है। और ये अंदर ये बैक साइड है, ये बैक साइड में गार्डन बना हुआ है, पीछे भी कुछ है यहाँ पे। चलिए दिखाता हूँ मैं, ये बड़ा अच्छा चबूतरा बनाया हुआ है, जैसे ताजमहल के चारों तरफ है ना संगमरमर का, ऐसे ही। देखिए कितना प्यारा है, लोग बैठे हैं यहाँ पर। ऊपर से देखने में बड़ा ही, देखिए यहाँ पर भी कुछ आगे अंदर सीनरी बनी हुई है बैक साइड में, बहुत ही अच्छा और सुंदर बनाया हुआ है ये वाकई में। देखिए जगह जगह गार्डन में वही थीम है, कृष्णा थीम। और यहाँ कृष्ण जी ने जो रासलीला का दृश्य है वो दिखाया गया है यहाँ पर, रासलीला वाला हसीन बड़ा ही बेहतरीन। यहाँ पे गोवर्धन पर्वत वाली सीनरी यहाँ पर शो करी है, जो गोवर्धन पर्वत उठाया था। यहाँ पर उन्होंने अपना पुस्तकों का और प्रसाद के लिए बनाया हुआ है ये किधर से है मंदिर का। तो दोस्तों इस तरीके से है ये प्रेम मंदिर, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। अभी इस टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा है, बाकी अगर यहाँ पर आप वीक डेज में आओगे तो आपको इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। और अपने फैमिली के साथ आओ, बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही सुंदर सा जगह है, आप इसका आनंद ले सकते हैं। चलो फ्राइडे में भीड़ बहुत ज़्यादा है, देखिए बाहर आ गए ब्रजवासी। हाँ तो ये है कुछ होटल का व्यू, और ये है रूम एप्पल के स्टैंडर्ड है, एप्पल के कंबल। आज के लिए बहुत हो गया, अब करते हैं रेस्ट। वेलकम बैक दोस्तों, रात प्रेम मंदिर जाने के बाद बहुत अच्छी नींद आई क्योंकि हम लोग थक चुके थे, काफी चले हैं दिन में इधर उधर घूमने में, तो फिर उसके बाद काफी अच्छी नींद ली। और सुबह, अब सुबह के बजे हैं 6:30 और हम लोग उठ के रेडी होने वाले हैं अब, और रेडी होकर जाएंगे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, और उसके साथ ही निधि वन में जाएंगे, और फिर देखते हैं कहाँ का प्रोग्राम बनता है। तो ये देखो दोस्तों, ये जो आश्रम है, एक जो होटल है या आश्रम कह लो, इस तरीके से मिलता है यहाँ पे रूम से। अंदर पूरा फुल ऑफ ग्रीनरी है, फुल ऑफ नेचर। देखो इधर की साइड ये कॉटेज बनी हुई है, सारा ग्रीन एरिया। बैक साइड में भी इधर भी कुछ रूम्स हैं वहाँ पर, और यहाँ भी एक एरिया मिलेगा। ओके भैया ओके, यहाँ पर भी कुछ खाली एरिया है। यहाँ पर एक आश्रम मंदिर बना हुआ है, मंदिर में बहुत आप पीसफुली बैठ सकते हैं शांति से। ये जो कॉटेज है, जो इसकी फाउंडर थी माता जी, ये उनका कॉटेज है, वो यहाँ पर रहती थी। आप यहाँ पर बैठ के, अभी भी सबके लिए खुला है, बैठ के यहाँ पर शांति से ध्यान लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा पीसफुल एरिया है, कार पार्किंग की भी अंदर ही जगह मिल जाती है। तो दोस्तों देखो, रात में बंदरों ने क्या हालत मचाई है गाड़ी के ऊपर। हमने इसका एंटीना हटा के रख दिया था क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने बोला था बंदर बहुत हैं, एंटीना हटा देने तो ये तोड़ देते हैं। एंटीना हमने इसका निकाल के रख दिया था। वैसे इनको इस मॉडल में ना एक शार्प फिन एंटीना देना चाहिए था, तो आज बहुत अच्छी लुक आती इसकी। फिर ठीक है, देखिए क्या हालत कर रखी है। कार अपने अभी यहीं पर छोड़ दी अपनी,
टॉय ट्रेन हो। जब राज्य